भिंड जिले से लूट की योजना बनाते 5 आरोपी गिरफ्तार। एसपी मनीष खत्री ने किया खुलासा। पेट्रोल पंप पर लूट की बना रहे थे योजना। 3 हथियार, 4 जिंदा राउंड, 2 बाइक, 1 मोबाइल फोन, 99,500 नकद बरामद। बरामद सामान की कीमत 3 लाख। पूछताछ में लुटेरे निकले अंतर्राज्यीय चोर। कोतवाली थाना पुलिस की कार्यवाही। भिंड जिले से योगेश चौधरी की रिपोर्ट। मिलने पर कि ऐसे बदमाश एक पेट्रोल पंप की लूट की योजना बना रहे हैं, तो चंबल कॉलोनी से घेराबंदी की गई, जिसमें कोतवाली की 2 टीम लगी थी और घेराबंदी सफल रही और अपराधियों को पकड़ने में सफलता भी ली है। अपराधियों के पास से 1 रिवॉल्वर, 2 कट्टे और जब्त हुए हैं। उनकी 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं और कुल मशरूबा करीब 3 लाख का है। इनसे हुई पूछताछ के आधार पर दिनांक 18 जून को जो एक लूट की वारदात हुई थी फरियादी मनीष के साथ, जो इटावा रोड पे दोपहर 1 बजे की घटना थी, उसका भी खुलासा हुआ है। इसके साथ साथ 3 अन्य चोरी की वारदातों का भी खुलासा हुआ है। ये अपराधी बहुत ही शातिर बदमाश हैं, जिनमें 1 का 12 अपराध और बाकियों का 3-4 सभी के अपराध है। और ये बेसिकली कंजर ग्रोह है और इस पर लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अन्य वारदातों के खुलने की भी पूरी संभावना है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से? भिंड पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी आरोपियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जब एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ा गया, जिसके 5 लोगों को पकड़ा गया है। कल रात ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ भारी बदमाश हैं जो एक स्थानीय पेट्रोल पंप पे लूट की घटना कारित कर सकते हैं। डकैती के पूरी तैयारी में है। इस सूचना पर जो चंबल कॉलोनी के पास बताए गए स्थान पे कोतवाली पुलिस द्वारा 2 टीम द्वारा दबिश दी गई और इस घेराबंदी सफल हुई और इसमें कुल 5 सशस्त्र आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनके पास से 1 रिवॉल्वर, 32 बोर, 2 कट्टे मिले हैं राउंड सहित, और इसके अलावा मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल, कुल करीब 3 लाख का मशरूकाम इनके पास से जब्त हुआ है। इनसे पूछताछ के दौरान जो 18 जून को एक मनोज फरियादी के साथ जो दिन में 1 बजे लूट की घटना घटित हुई थी इटावा रोड पे, उसका भी खुलासा हुआ है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य चोरी की वारदातों का भी खुलासा हुआ है। अभी इस अंतर्राज्यीय ग्रोह जो कि मूलतः इटावा का है और कुछ इसके साथी आगरा के भी हैं, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और भी वारदातों के खुलासा होने की पूरी संभावना है। भिंड में कैसे लोगों को आना जाना होता है? देखिए, इनका क्या है, ये बड़े अपने कार्रवाई करने में शातिर हैं। इनका 2-3 तरह का रुख रहता था। जब भी भीड़ भाड़ ज़्यादा होती थी तो ये पर्स पार करने का भी काम कर लेते थे। इसके साथ साथ मोटरसाइकिलों में कई बार ये लिफ्ट वाला लिफ्ट लेकर और जिस व्यक्ति की लिफ्ट लेते थे उसका भी पॉकेट मार लेते थे। इसके अतिरिक्त इनके पास जो सशस्त्र हथियार इत्यादि मिले और जिस तरह की ये घटना कारित करने वाले थे, इसलिए ये अन्य लूट में भी संदेही हैं। एक लूट तो खुलासा हो चुका है, अन्य वारदातों गंभीर वारदातों में इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक पता? इनका काफ़ी बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है, जो 1 आरोपी के तो 12 अपराध हैं। इसके अलावा हर आरोपी 5 के किसी के 3 किसी के 2 आपराधिक रिकॉर्ड है, पर ये सारे रिकॉर्ड यूपी के हैं और अलग अलग जिले के हैं, मथुरा और इधर उधर बाकी ज़िलों के हैं यूपी के। अपने क्षेत्र का अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह इनकी जो गतिविधि, ये करीब 10-15 बार आए ऐसी जानकारी मिली है। अभी उस जानकारी की पुष्टि की जा रही है और इन्होंने क्या वारदातें की उस संबंध में इनसे पूछताछ की जाएगी।